मार्च 1972 में एक ट्राई एग्रीमेंट हुआ नेशनल आवामी पार्टी जे यू आई इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसके तहत बलूचिस्तान में बितंजो साहब गवर्नर बने और बलूचिस्तान में चूँकि नेशनल पार्टी नेशनल आवामी पार्टी इलेक्शन जीत गई थी तो उनकी गवर्नमेंट भी बनी ये अप्रैल 29 में अप्रैल ट्वेंटी शायद जो गवर्नर बना और फर्स्ट में नैप की गवर्नमेंट बनी वहाँ पर और फर्स्ट में चूँकि मेडे था और वो एक अजीब किस्म का जो ना कि नया वो था इमोशंस इन्हों का नैप का लेफ्ट प्रोग्रेसिव लोगों का तो सारे मुल्क से लोग आए वहाँ पर उस दिन सेलिब्रेशन था वहाँ पर इन वे और उस सेलिब्रेशन का जो ना कि एक्चुअली जो 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 इंस्पायरिंग जो, जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो था दैट वॉज ऑफ़ हबीब जाब हबीब जालेिब उसमें पार्टिसिपेट किया अपना जो है ना नजम वगैरह वो पड़े तो देट वॉज अट इज़ एन इम्पोर्टेंट डे इन दिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान एंड दी प्रोग्रेसिव मूमेंट इन बलूचिस्तान प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट मूवमेंट इन बलूचिस्तान ठीक है गवर्नमेंट बनी मैं फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद गवर्नमेंट बनते ही बिजनजो साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि तुम जो है ना अपने ये नौकरी छोड़ दो टेम्परेरली छोड़ दो और वहाँ मेरे साथ आ जाओ यू हैव गॉट अ पोलिटिकल ड्यूटी ऑल्सो टू परफॉर्म तुम्हें शायद ये तनख्वाह यहाँ मिलता है वो शायद वहाँ न मिले लेकिन वहाँ तुम्हें वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यू आर डूइंग समथिंग तो मैं अग्री किया मैं गया कोटा आई बी के एम इज़ पोलिटिकल सेक्रेटरी फिर अगला नौ महीने तक उस गवर्नमेंट के साथ में रहा और हमारा पहला जो मुझे दो तीन एक्सपीरियंसेस इसमें बताऊंगा इसमें कि सम टाइम इन द दिकेंड वीक ऑफ मे

और ना बिजनजो को पता था एज गवर्नर न प्राइवेट चीफ मिनिस्टर को पता था ये सारे जो ना वहाँ जा के पता चला कि भुट्टो साहब ने ऑलरेडी एग्रीड विद शाह फिरान अशरफ अर्शफ पहलवी सिस्टर दी सिस्टर ऑफ शाह शहनशाह पहलवी शहनशाह पहल रजा र, 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 रजा का उनकी सिस्टर भी नहीं थी वो शी वज द मोस्ट पावरफुल वुमेन इन ईरान और इन होल ऑफ मिडल ईस्ट एट दैट टाइम शी वॉज एक्चुअली रनिंग दरानियन गवर्नमेंट इन दट इनडायरेक्टली कहना चाहिए और वो उनका वि, उनका विजिट बिकॉज इट वॉज इट वॉज इक्वल टू द शाह विजिटिंग क्वा लेकिन इसका कोई एडवांस इन्फॉर्मेशन हमारे गवर्नमेंट को जो आठ दिन के गवर्नमेंट को बताया नहीं था और उससे चंद महीने पहले वहाँ पर बलु, पूरा बलूस्तान में शाह के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त किस्म का एजिटेशन हुआ था और शाह की तस्वीरें फाड़ कर फेंक दिया था कोता कोचा शहर में और इरानियन कल्चरल सेंटर को अटैक किया था बीएसओ वालों ने इसीलिए एक कि शान है बलूचों के ऊपर वहाँ जुल्म किया था ईरानियन बलूचस्तान पर उसका प्रोटेस्ट में और वो वो अभी तक जो है ना कि लोगों लोग लो, लो, इट वाज वेरी, वेरी 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 फ्रेश इन देयर मेमोरी उस वक्त उठा के इनको बुला लिया कोटा में तो हमारे हमारे लीडरों ने यह समझा कि ये जानबूझ के इन्होंने किया है भुट्टो साहब ने हमें अमे, हमें टेस्ट करने के लिए कि हमने हुकूमत बनाया है और अब वो आएंगे बी एस ओ को हम कैसे कंट्रोल करेंगे उनको सेंटिमेंट सर स्टिल अच्छा खैर वो आई उसमें ये हुआ कि वो अब ये रिफ्यूज तो कर नहीं सकते थे प्रेजिडेंट एज कमिटेड के शाह से कि भाई आपके बहन आ रही है तो नेचुरली गवर्नमेंट एग्रीड ओके और वहाँ पर जो है ना कि वो आई लेकिन उनका रिसेप्शन का टाइम पर यह हुआ कि वहाँ पूरे जो है क्यूम खान जो होम मिनिस्टर था पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर था उसने पूरा प्लॉट तैयार किया हुआ था इसको सबटा करना है तो वहाँ रिसीव हुआ रिसीव करने के बाद जो है इस प्रिंसेस को जो रूट तय था उस रूट से नहीं लाया किसी इधर उधर से ला के वहाँ पर गवर्नर हाउस में उनको जमा कर दिया जमा ही करना था ना शी केम एंड उनको जमा कर दिया वहाँ पर डिपॉजिटेड इन द गवर्नर हाउस अच्छा वो सब हो गई ये किसी को नहीं पता ना प्राइम मिनिस्टर ना चीफ मिनिस्टर को पता ना गवर्नर को पता है ये रूट चेंज हुआ है और वहाँ पर आके ये जो ना कि शाम को रिसेप्शन हो रहा था बैंक रिसेप्शन वो रिसेप्शन में जो है ना कि जब ये तकरीर कर रही थी ये गवर्नर तकरीर कर चुके थे और उस एड्रेस ऑफ वेलकम उसके बाद ये ये दिस लेडी वॉज स्पीकिंग तो एक शोर मचा बाहर है ना उसको जो है ना बाहर निकालो वो जो बदमाश औरत को बाहर निकालो एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्लोगन्स तो कुछ समझ में नहीं आया इसलिए कि पूरे गवर्नर चीफ मिनिस्टर पूरे द एंटायर यू नो को सिटिंग दे इन द गवर्नर हाउस तो बिजन जो साहब ने कहा कि भाई मैं जाके देखता हूँ क्या है ये सो ही वेंट आउट टू द गेट और वहाँ जाकर जो है ना कि पता है चला कि एक लाश लेकर बी एस ओ और पाकिस्तान पश्चून स्टूडेंट फेडरेशन ए नैप का जो जो स्टूडेंट बॉडीज थे उन्होंने लाश लेकर लाए थे और वहाँ पर जो ना कि हिसाब से तो मेरे साहब ने कहा कि देखो जो कुछ भी हुआ है यू टेक दिस बॉडी नाउ टू द हॉस्पिटल हम सुबह आकर जो है ना कि इसका जो कुछ भी करेंगे मगर इधर अभी हमारे गेस्ट हैं वी हेट दम और वी लाइक दम बट दे आर आवर गेस्ट और बलूचिस्तान के बलूचों की हॉस्पिटैलिटी जो ना कि उसका खाना खराब मत करो तो यू गो नाउ बॉडी एंड इट वॉजन टू दस्पिटल मेरे साहब वापस आए वापस आने के बाद जो है ना कि उन्होंने ही जस्ट हाथ थी आई जी जो था कोई एंग्लो इंडियन था या ब्रिटिशर था उसको बुलाया उसे कहा कि भाई वट एपन तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता देन समीस किसी को कुछ नहीं पता तो पता इतने में किसी ने आके मिसाब को कहा कि भाई वो रूट भी चेंज कर चुका था ये कुछ जो है ना कि कयूम खान के लोगों ने कयूम खान अपने साथ वहाँ से एजेंट्स लेकर आए थे आर्म्ड पीपल फ्रॉम फ्रॉन्टियर उनको ला के उनको घुमाया शहर में और जन नेशनल अवामी पार्टी गवर्नमेंट के, के ख़िलाफ़ गालियाँ और गाली गाली वाली स्लोगन्स लगाए वहाँ पर और उसके नतीजे में जो है ना कि लोगों ने उसको रिलीज़ तो किया तो 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 ऊपर से फायर किया उन्होंने ट्रकों में घूम रहे थे ये और फायर किया एक लड़का मर गया उनका लाश था वो और उसका नाम पर अभी वहाँ चौक है मन्नान चौक है you ना know, वही वजह रक्षा ड्राइवर था या कुछ हमारा पर नेशनल पार्टी का मेम्बर था सो दैट हैपन और उसके बाद जो है ना कि मीर साहब ने उसी वक्त देयर ऑन द स्पॉट ही डिसमिस्ड द आई जी वहीं पर और आई जी से कहा गेट आउट ऑफ हियर और दूसरे आई जी वहीं पर अपॉइंट किया और उसके बाद कजयूम खान से वहीं पर इन दैट मीटिंग दैट दैट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिटिंग देयर द प्रिज ऑफ़ ईरान सिटिंग देयर ऑल द एंटायर एंटायर कैबिनेट एंड एवरीबॉडी फेडरल कैबिनेट कहा कि मैं कजियुम खान से इस वक्त ये ऑर्डर करता हूँ आई एम द गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान दिस प्रोविंस यू मे बी होम मिनिस्टर इंडियन मिनिस्टर वाट एवर आप अभी मुझे इन क्रिमिनल्स है, को जिन्होंने यहाँ पर ये बदमाशी किए हैं उनको हैंड ओवर करें पुलिस को और दूसरे आदमी को वहीं पर अपॉइंट किया है जी इनको हैंड ओवर करें नहीं तो आई विल जस्ट ऑर्डर यूर अरेस्ट नाउ हियर इन दिस गवर्नर हाउस यहां मैं हथगड़ी लगाऊंगा तुमको एंड देन यू विल बी टेकन आउट बुट्टो सिम्पली नॉन प्लस टू नो आई मीन दैट इज वट डिलीवरिंग द स्पीच वो नीचे गिरा उसके हाथ से कागज मुझे अभी तक याद है ना एंड देन देन वॉट हैपन डॉज बुट्टो बुट्टो डि नॉट इंटरवीन बुट्टो उठ के चला गया था फिर वापस अपने मिनिस्टर मिनिस्टरों को कहा वट वट एवर इन्होंने कहा वट बिहेव वेरी सेंसिबली उन्होंने अपना उन्होंने कहा कि भाई यू हैंड ओवर वट ओवर ही आस्ट वो बिजन जो है वो मैं नहीं हूँ हैंड ओवर करो हजूम खान ने वो सब दे, ख, दे, जहरी को नबी बख्श जहरी नबी बख्श नहीं नबी बख्श का जो भाई था वो था ये बदमाश खुदा बख्श मोला सम जहरी वो ये मुस्लिम लीग कयूम खान का प्रेसिडेंट था वहाँ का जो इन्होंने सारा अरेंज किया था तो वो अरेस्ट हुआ वो सारे पूरे लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया सबको कयूम खान बच गया वयूम खान को भी अरेस्ट कर लेते सो देट द विजिट ऑफ अशरफ पहलवी द फर्स्ट देखना पंद्रह दिन के अंदर बलूचस्तान में नेशनल अवमी पार्टी के गवर्नमेंट बनने के पंद्रह दिन के अंदर उस गवर्नमेंट के